Good morning, class 5. Welcome to today's maths class. We are practicing the first chapter from the Magic Maths book, and our today's topic is Start a New Fish Drying Factory. Okay, this is a new business of Minkar Bank Women's. Minkar Bank की जो औरतें हैं, जो मिनकर बैंक की मछुआरी ने हैं, उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है और वो है मछलियों को सुखाने वाला कारखाना. राइट, द विमेन्स ऑफ मिनकर बैंक नीड सम आइटम्स टू स्टार्ट दिस न्यू बिजनेस. जो मिनकर बैंक की मछुआरी ने हैं, उनको इस नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इस नए व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत है. ओके, हियर इज द लिस्ट ऑफ द थिंग्स. यहाँ पे उन वस्तुओं की एक लिस्ट है. ओके, एंड दे वांट टू नो द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आइटम्स. और वो इन सारे आइटम्स की कॉस्ट यानी के मूल्य जानना चाहती है कि कितना मूल्य होगा. ओके, वी हैव बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर. यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है वो है बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर. ताजे पानी के लिए उनको बोरवेल की जरूरत पड़ेगी. ओके, और प्राइस ऑफ ईच जो दिया हुआ है, एक बोरवेल का जो प्राइस है वो है 3000 रुपीज. ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि जब प्राइस दिया हुआ है तो हमें फाइंड आउट करना क्या है. राइट, तो यहाँ पर एक का प्राइस दिया हुआ है एंड दे वॉन्ट मोर देन वन. उनको एक नहीं चाहिए, एक से ज्यादा चाहिए. सो वी विल फाइंड आउट दैट थिंग्स. हम उन वस्तुओं की कीमत निकालेंगे फिर जो एक से ज्यादा चाहिए. राइट, एंड देन वी विल फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द आइटम. और उसके बाद हम जो सारी आइटम्स हैं, सारी वस्तुएं हैं, उनकी एक साथ टोटल कॉस्ट भी निकालेंगे. ओके, यस, नाउ फर्स्ट इज बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर के लिए जो बोरवेल चाहिए सबसे पहले वो है, और द प्राइस ऑफ ईच मीन्स वन, प्राइस ऑफ वन इज 3000 रुपीज. ओके, हमें वो कितने चाहिए, वी नीड ओनली वन. हमें सिर्फ एक बोरवेल की जरूरत है, और जब एक बोरवेल की जरूरत है तो उसका प्राइस पहले ही गिवन है. सो वी विल राइट इट हियर. राइट, ये हो गया आपका 3000. नेक्स्ट इज बैम्बू रैक फॉर फ्रेश फिश. जो फ्रेश फिश उनके पास होगी, जो ताजी मछलियां होगी, उनको रखने के लिए बैम्बू रैक्स की जरूरत पड़ेगी. ओके, तो बैम्बू रैक्स कितने चाहिए, 20 बैम्बू रैक्स चाहिए, और हमारे पास प्राइस गिवन है ओनली वन का. वन बैम्बू रैक का जो प्राइस होगा वो 2000 रुपीज होगा. सो हाउ विल फाइंड द 20 बैम्बू रैक्स प्राइस. हम 20 बैम्बू रैक्स का प्राइस कैसे निकालेंगे बेटा, यू नो द रूल. जब हमारे पास एक का गिवन है, ज्यादा का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं मल्टीप्लाई. सो लेट्स डू 2000 मल्टीप्लाई विद 20. वी विल मल्टीप्लाई इट हियर 2000 मल्टीप्लाई विद 20. ओके, जीरो जीरोज आर जीरो, जीरो जीरोज आर जीरो. यू नो व्हेन वी मल्टीप्लाई जीरो विद एनी नंबर वी ऑलवेज गेट जीरो. जब हम किसी नंबर के साथ जीरो से मल्टीप्लाई करते तो हमेशा हमारे पास जीरो ही आता है. ओके, जीरो जीरोज आर जीरो एंड जीरो टूज आर जीरो. राइट, वंस प्लेस का आपका मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया, पुट द क्रॉस साइन एंड देन टू का मल्टीप्लाई. टू जीरोज आर जीरो, टू जीरोज आर जीरो एंड टू जीरोज आर जीरो, टू टूज आर फोर. इसको ऐड कर देंगे, जीरो 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 फोर. नाउ इट्स वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड. ये आ गया आपके पास 40,000. सो वी विल राइट हियर. नेक्स्ट इज सीमेंट टैंक. सीमेंट टैंक की जरूरत पड़ेगी उनको. ओके,
और सीमेंट टैंक के वन टैंक का प्राइस है 1000 रुपीज। वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ फोर टैंक्स। हम फोर टैंक्स का प्राइस निकालना चाह रहे हैं। देन सेम मेथड, जब एक का दिया है ज्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे। सिंगल डिजिट है बेटा, इसका आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 4 zeros are 0, अगेन 4 zeros are 0, अगेन 4 zeros are 0, एंड नाउ 4 ones are 4, राइट। द प्राइस इज 4000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट इज ट्रे एंड नाइफ। ट्रे और नाइफ दोनों को मिला के जो प्राइस है वो है 300 रुपीज। ट्रे और नाइफ दोनों को मिला के जो प्राइस है वो है 300 रुपीज, लेकिन हमें ट्रे और नाइफ चाहिए 20 ट्रे चाहिए, 20 नाइफ चाहिए। सेम हम लोग क्या करेंगे, वी विल डू द मल्टीप्लाई। सो 300 मल्टीप्लाई विद 20, राइट। 0 zeros are 0, 0 zeros are 0, एंड 0 threes are 0। टेंथ प्लेस का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 threes are 6। वी विल एड इट, इसको एड करेंगे बेटा, 0 0 0 एंड 6। ओके, इट इज 6000 रुपीज। सो वी विल राइट इट हियर। ओके, नेक्स्ट इज बकेट। बाल्टियां चाहिए उनको, बकेट का जो प्राइस है, वन बकेट का प्राइस है 75 रुपीज, एंड वी वॉन्ट टू फाइंड द प्राइस ऑफ 20 बकेट। ओके, तो आपको पता है कि हम कैसे करते हैं, 75 मल्टीप्लाई विद 20। सो राइट डाउन 75 मल्टीप्लाई विद 20। ओके, 0 0 0 5 are 0, 0 7 are 0, now 2 5 are 10, 10 0 and carry 1, 2 7 are 14, 14 plus 1 15. So we will write here 15. Okay, एड करेंगे 0 0 5 1, इट इज 1500। सो विल राइट हियर। ओके, नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड द टोटल कॉस्ट। अब हमें इनकी टोटल कॉस्ट निकालनी है, पूरा मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन सबको एड कर देंगे। ओके, सो वी विल एड 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0। ओके, वंस प्लेस पे सारी जीरो है, सो इट्स 0। ओके, टेंस प्लेस 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, टेंस प्लेस भी सारी 0, राइट। 100 प्लेस 5 0 0 0 0, सो हियर इज ओनली 500, ओके, एंड देन 1000 प्लस 1 plus 6 7, 7 plus 4 इट्स 11, एंड 11 plus 3 इट्स 14, सो 14 4 एंड कैरी 1, ओके। इन 10000 प्लस 10000 प्लस पे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 है, 4 plus 1 is 5, so the total cost is 54,500.